तो उसकी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा काम है और इनका वेट करना रहता ना तो रात हो जाती है, इस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमको पार्लर भी जाना है भाई। लोग आ चुके हैं पार्लर अटेंड करने के लिए और कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्क है भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मार्केट में जाना है पार्लर, पार्लर के बाद पूजा की शॉपिंग करनी है, बहुत सारा पूजा होगी कल, मेरी शॉपिंग करोगी? हाँ तो चल तू उसको जो लेना ले लेना ठीक। नहीं नहीं पूजा पाठ की शॉपिंग करनी है। हाँ तो उसकी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा काम है और इनका वेट करना रहता ना तो रात हो जाती है और कल बहुत सारे गेस्ट आने वाले, हमने इस चीज का रिस्क नहीं लिया कि ये लोग ये आएंगे तो भूल जाएंगे। एक तो कार वॉश करवाने गए हैं और पता नहीं क्या क्या करेंगे। अच्छा हाँ वो भी लेंगे शायद, रिटर्न गिफ्ट भी लेंगे। अच्छा तो टाइम लग जाएगा। हाँ, काफी उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि उसमें तो मतलब काउंट करके स्टॉक लेना पड़ेगा, पहले तो उनको खोजना पड़ेगा क्या लें क्या नहीं लें। हाँ तो इस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमको पार्लर भी जाना है भाई, थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो थ्रेडिंग वगैरह भी तो करवा लें, तो इस वजह से हमने बोला चलो पूजा पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा लेकिन चल लेते हैं। तो पूजा बोली हाँ तो हमने सोचा चलो इस बात का मौका गवाते नहीं है, फायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं। तो हमने जो घर में पहना था वही पहन के आराम से निकल गए। रास्ता ऐसा है ना कि हम तो घूम ही हो जाएंगे। नहीं इससे भी सिंपल रास्ता था पता है तुमको। हाँ। लेकिन हम गप में तुम्हारे गप के चक्कर में आ सकते। नहीं 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 ये नहीं, उधर से ही था, उधर उस रास्ते से था। अच्छा। लेकिन जो है हम गप के चक्कर में बातचीत करते करते किधर से किधर निकल गए, कोई 5 मिनट और ज्यादा लगे और क्या। तो फाइनली हम लोगों को टोटो मिल गया, अब आराम से जाएंगे। मोमोज यहाँ का खिलाते टाइम लेके चलेंगे, शिवांश को भी अच्छा लगा था। पार्लर मैं बता रहे टाइम टाइम शूट कर लो, थोड़ा कुछ शूट कर लो, मैं भूल जाती हूँ शूट वगैरह की। चलते हैं अंदर। तो हम लोग आ गए पार्लर, कोमल भी आ गई है मेरे साथ, पूजा तो है ही, पूजा आई है मेरा पूरा हेल्प करने, पता नहीं कौन पैदल का कितना चला के लाए हैं इसको। तुम मुँह तो दे दो, देख लो मेरा कोई डर नहीं है, वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। कोहरे की कोमल एकदम सर बच के आ गई है, हम लोग चमार बन के तैयार हो के आए क्या तुम? देखो खाने में तैयार कैसे भी तो रहेंगे तो जिए ही ना, हम छोटे छोटे बच्चों वाली माँ है, बड़े बच्चों वाली माँ, बच्चा को फंसा के आए हैं। नहीं बच्चा लोग मतलब रख दिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शिवांश लेके आते तो ठीक रहता ना, ज्यादा टाइम लगेगा। तुम लोग आएंगे तो बोलेंगे ले आई बच्चा, जो कपड़ा पहनते वही पहने। अरे बाप रे बाप, अब इसको क्या करना है। आ गए हैं और दीदी को मैंने बोला डिटेन करने के लिए और कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्क है भाई। तो अभी हो रहा है क्लिंजिंग, उसके बाद डिटेन होगा। तो जिया का हो गया, मेरे को बढ़िया देख सकते क्या लगा है, डिटेन लग चुका है और मैंने बोला है कि यहाँ पे खीरा होना चाहिए था, ये व्हाइट कागज से अच्छा खीरा लगता क्या? नहीं नहीं खीरा से अच्छा गुलाब जल का है। हाँ खीरा जाकर रस जाता नहीं है, हाँ, खीरा सटता नहीं है, आई में सटता है नहीं, बहुत सुंदर लग रही है। तो बाद में अपना वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। और खीरा दे दे जिया, और हम भूतनी बन के सोए हुए हैं, दिख रहा है तुमसे? अरे अब आंख पे रखाया है, पहले नहीं रखाया हुआ था, इसलिए तो अब रख दिए ताकि अब ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, अब ऐसे ही आंख बंद करके वीडियो बनाएंगे। सेकंड टाइम मिला एक बार क्रियांश के बर्थडे में, जब जब कटिहार आएंगे तो तुम मिलोगी। एक बार आए से तो नहीं मिली थी ना? हाँ एक बार आए थे। आईब्रो बनवाई अभी? अभी रेड हो गया। अच्छा हमको भी आईब्रो बनवाना है, कैसे बनाएंगे आईब्रो? बनवाने में ना प्राण निकल जाता है। हो गया डिटेन और इसके बाद कोमल को कुछ कराना नहीं है, एकदम ऐसे एकदम स्वैग में बैठी हुई, एकदम फील ले रही है, एकदम क्या करा रही है तू? कुछ बॉडी मसाज, बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज, बॉडी पति आएगा 10 डंडा देगा बस तू भाग जाएगी यहाँ से, फुल बॉडी मसाज कराती है। बाकी आप मेरे पैर को नहीं देख सकते,
पार्लर से आ गए और इसके बाद यहाँ चल रही है बहुत सारी शॉपिंग। मैं दिखाती हूँ सारी लड़कियाँ टूट पड़ी है इयर रिंग पे, ये मस्त मस्त इयर रिंग देख लो, इयर रिंग पूजा दिला दे मुझे नहीं ये थोड़ा। बहुत सारी शॉपिंग हो रही है, रह रहे की यहाँ तक दवाई पानी सब लेके। अरे चल यार ऐसे भौंक रहे हम लोग जैसे लग रहा है, चल 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 दवाई खा ले तब चलेंगे। Few inches later. तो फिलहाल आए हुए हैं जी यहाँ पर मॉल में, और मॉल में आकर के जो है कुछ रिटर्न गिफ्ट के लिए देख रहे हैं, कुछ अच्छा सा आइडिया अगर मिल जाए तो। सामान सब तो बहुत सारा है जी, और सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा दे कि सभी लोग आए तो उनको रहे कि हाँ बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है। बाकी देखिए कौन सा क्या पसंद आता है हम लोगों को। रिटर्न गिफ्ट सब तो फाइनल हो गया जी, सारा सामान सब एक एक करके आ रहा है, सारा कार्टून सब यहाँ पर लोड होगा। बाकी क्या हमने सिलेक्ट किया है वो आप लोग जो है जितने भी यूट्यूबर गिफ्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे वो देखेंगे ही। और सबसे पहले अनबॉक्सिंग इस बार देखते हैं कौन करता है। इस बार ये करेंगे कह रहे हैं, तो आप लोग जो है देखिएगा ही। अच्छा ये बिल है, तो उस पार से जो है आ रहा है सारा सामान सब यहाँ पर रखा है। सुनिए ना, इन लोग को हम लोग को टोटो से भेजना पड़ेगा क्योंकि बीच सीट में पूरा सामान ही जाएगा। तो फिलहाल जी सारा सामान हमारा गाड़ी में लद गया है, वो लोग भी चली गई है, और अब हम लोग चलेंगे यहाँ से सीधा मार्केट और कुछ सामान और उठाना है हमको, और खाने का भी जो है सामान कुछ यहीं से ले लेंगे क्योंकि अब बहुत लेट हो गई है। और खाना बनाने का अगर खाना बनाया जाएगा तो शायद अब 11-12 बज जाएगा, तो उतना समय है नहीं। और तब चलते हैं इन लोगों को जो है यहाँ का मटन खिलाते हैं, बहुत ही स्पेशल मटन है। और इसके अलावा जो है मटर पनीर भी कुछ लोगों के लिए लिया जाएगा, वेज वाले हैं, वेज नॉन वेज दोनों है, सारे हैं यहाँ पर। ठीक है तो चलते हैं। यहाँ से जी मटन करी ले लिया है और साथ में जो है मटर पनीर भी अपना ले लिया है, और इनके शॉप से जो है हम लोग लगातार लेते रहते हैं, जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो डिमांड रहता है कि पिछली बार जहाँ से मटन करी खिलाया था इस बार भी वहीं से खिलाइएगा, तो आते रहते हैं यहाँ शॉप, और बनता भी बड़ा अच्छा है, यहाँ का टेस्ट भी एकदम बिल्कुल घर जैसा लगता है। तो चलते हैं, सारा सामान सब भी आ चुका है, चलते हैं जी। एक और क्रिएटर साथ में है, और एक और क्या दो दो है यहाँ, अभी तो क्रिएटर ही हो गई अभी। तो, न्यू तो मोनिका जी और उनकी दोनों सिस्टर वो सभी आई हुई हैं, और एक बार आपको शायद ध्यान हो, पता नहीं जो भी पुराने सब्सक्राइबर हो, तो हम लोग एक बार जब पटना गए थे तो हम लोग स्टे किए थे किसी के यहाँ, तो इन्हीं के यहाँ हम लोग स्टे किए थे, और बहुत पहले से रिश्ता है। तो अभी तक हमने 3 फंक्शन में इन्वाइट किया है, 2 में नहीं आई है और 3रे में आई है, तो चलिए धन्यवाद आने के लिए। ठीक है तो चलते हैं, थैंक यू आने के लिए। गुड मॉर्निंग बाबू, अच्छा जब मालूम तो है पापा है। ये भी दीदी तो ये मोनिका दी हुई, मोनिका दिव्या, ये अभी 10th में है, और यह जो है तुम्हारी ही प्रोफेशन से है। फिलहाल आए हुए हैं जी सब्जी मंडी, और यहाँ से जो है सब्जी भी लेना है और साथ में फल सब भी कुछ उठा करके ले जाना है, क्योंकि घर में आज ही होने वाली है सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो आपको यहाँ गाड़ी और शोर शराबा सब मिलेगा, आपको मालूम चलेगा कि मार्केट का हलचल। ये कुछ फल सब तो ले लिया जी, उसके बाद बारी अब सब्जी लेने की, तो एक ही दुकान में आए हैं और इसी दुकान से जो ले लेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है कि पूरा मार्केट घूमे और बार्गेन करे और वह सब टोल मटोल करे। इससे अच्छा जो है यहीं पर ले लिया, और बारिश भी है इसलिए सोच रहे हैं कि एक बार ले, वैसे भींग तो जाएंगे ही हम लोग वो गारंटी है, लेकिन जाएंगे डायरेक्ट गाड़ी में घुसाएंगे और निकल जाएंगे हम लोग। मॉर्निंग आप सभी को, क्रियांश है, गुड मॉर्निंग, क्रियांश पूछ ही दो, गुड मॉर्निंग करो मम्मा को। तो दीदी लोग आ चुकी है, चाय पानी सब कुछ हो गया, और रूम में जो अभी सोए हैं रूम का पूरा हाल, घर जो है हमारा पूरा इधर उधर हो गया है, मैसी, तो अभी घर ठीक किया जाएगा। हाँ क्रियांश ठीक है। तो सब्जी और फल तो सब कुछ ले लिया जी, और सामान भी अच्छा खासा हो गया था, और उसके बाद सोच रहे थे कि झोला को लेकर के जाएंगे कैसे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी लगी हुई थी लगभग 300-400 मीटर पे, तो
तो रुद्र भाई जो है अपना दिमाग लगाया कि एक रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा कर लीजिए ना। हाँ, तो रिक्शा वाले भैया जो थे वो आए और सारा सामान सब जो यहाँ पर चढ़ा दिए। चार बोरा हो गया था ना, चार बोरा हो गया है। उसके बाद जो है पूजा का सामान सब कुछ कुछ और भी बचा हुआ है, बेलपत्र और वो छोटा छोटा काम सब है जो कि हमारी कॉलोनी में ही हो जाएगा। फूल सब भी लेकर के आना है, तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं सब कुछ निपटाते हैं। और बाकी गेस्ट सबका जो है आना लगभग दोपहर से शुरू हो जाएगा, और उसे सुबह में जो है कुछ गेस्ट आ चुकी है जैसा कि कुछ देर पहले आपने देखा। तो चलते हैं। दीदी बैठी हुई आराम से, और यहाँ शिवान, शिवो क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। हेयर स्टाइल बना रहा है शिवो, बना रहे हेयर स्टाइल। और पूजा भी कल आपको इसी ड्रेस में दिखी होगी, आज भी इसी ड्रेस में है। और बेइज्जती हम लोग जल्दी आ गए सुबह सुबह। नहीं, ये जब भी यहाँ आती है ना मेरा एक नया ड्रेस ले लेगी, वही पहन के खाली घूमते रहती है। इधर हमारी प्यारी सी सारा आ चुकी है जिसका बेसब्री से इंतजार था। ना छोटी भी आई है, दिव्या छोटी, दो दो छोटी है। और धोनी, दोनों इतनी इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी है, देखो है ना। अभी सिमास प्लान कर रहा है गाड़ी से घुमाने का, तो कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किसको किसको बिठाएगा गाड़ी में। और इधर क्रियांश जो है, क्या करो क्रियांश, क्या कर रही है इधर रिया, अपना बेड सेट ठीक कर रही है। ना जितना मैं बेड ठीक कर रही हूँ उतना खराब हो रहा है, तो उस पर दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक सही रूम रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा इस चीज को समझता ही नहीं है। हाँ, समझते नहीं हो तुम।